बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बजटिंग में हमने काम स्टार्ट कर दिया था और बजटिंग की बेटा बेसिक बातें जो किसी टॉपिक के बैकग्राउंड के लिए ज़रूरी थी आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब हमें फंक्शनल बजट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब फंक्शनल बजट्स की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारे नाम आपको लिखवाए थे। थैंक यू सर। कि सर सेल्स के बजट बनते हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्शन के बजट बनते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट बनते हैं, तो ऑन। फिर आपको मैंने एक हैंडआउट दिया था, गाथा संभाल के रखिएगा, और ग्रुप में हैंडआउट मैंने शेयर कर दिया है, 4-5 कॉपी मेरे पास हैं, भी चाहिए। हाँ मुझे पता रहा, हर क्लास में होंगे कुछ ना कुछ ऐसे। चले बेटा, ये पहला सवाल है। इस सवाल का मकसद तंग करना बिल्कुल भी नहीं है। इस सवाल का मकसद है आपको फॉर्मेटिंग करना। इस सवाल के अंदर सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेकिन हर सवाल इतना शरीफ नहीं होगा जिसमें सब कुछ गिवन हो। आगे जाके चीजों को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबको मिल गया हैंडआउट? चलिए भाई, हैश लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स PSNTG। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर बजटेड एट 5,000 यूनिट्स ऑफ PS एंड 1,000 यूनिट ऑफ TG। प्लैंड सेलिंग प्राइसेस आर 65 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। भाईजान कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, PS और TG। सेल्स अगले साल 5,000 यूनिट की होने वाली है PS की और 1,000 यूनिट की होने वाली है TG की। प्लैंड सेलिंग प्राइस ये है कि एक PS 65 रुपए का बेचेंगे और TG 100 रुपीज का बेचेंगे। हैश लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ओपनिंग स्टॉक एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में इनके पास 100 यूनिट PS के मौजूद हैं और 50 यूनिट TG के मौजूद हैं और रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक 1100 और 50। पिछली क्लास खत्म करते करते एक वर्ड सिखाया था, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, कि हम लोग बजट बनाते वक्त कुछ स्टॉक अगर बचाना चाहते हैं उसकी भी प्लानिंग करते हैं। बचाना क्यों चाहते हैं? सिंपल सी बात क्या समझाई थी कि सर अगर आज रात को दुकान बंद करेंगे और कल सुबह दुकान खोलेंगे तो दुकान में कुछ सामान तो होना चाहिए ना बेचने के लिए, तो उसको मैं पहले से खरीद के रखूंगा, जब भी तो वो बचेगा और बचेगा जब भी दूसरे दिन बेच पाऊंगा। तो कितना स्टॉक आप बचाना चाहते हो, उसने बता दिया कि हम लोग 1100 यूनिट PS के बचाना चाह रहे हैं और 50 यूनिट TG के। यू आर ऑल्सो गिवेन द फॉलोइंग डेटा अबाउट द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस PS एंड TG एंड द विटलिंग एंड फैटलिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। आपको बेटा डेटा दिया जा रहा है PS और TG को प्रोड्यूस करने के लिए मटीरियल का, और इसे बनाने में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, एक का नाम है विटलिंग और दूसरे का फैटलिंग। फिनिश प्रोडक्ट की डिटेल क्या दे रहा है? KG ऑफ रॉ मटीरियल X पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड KG ऑफ रॉ मटीरियल Y पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इन चीजों को बनाने में मटीरियल X भी लगता है, Y भी लगता है। अब कितना लगता है? एक PS बनाने में 12 KG हमारे पास लगते हैं X के और TG में 12 KG। अच्छा बेटा, इसके बाद उसने बताया Y PS बनाने में 6 KG लगेगा
टीजी बनाने में 8 केजी लगेगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, पीएस बनाने में लेबर के 8 घंटे लगेंगे, टीजी बनाने में लेबर के 12 घंटे लगेंगे। अब रॉ मटेरियल की फर्दर डिटेल दे रहा है, डायरेक्ट मटेरियल डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन केजी, हम लोग मटेरियल भी बचाना चाहते हैं और 6000 केजी एक्स के बताना चाह रहे हैं और 1000 केजी वाई के। ओपनिंग स्टॉक इन केजी, एक्स के 5000 केजी मौजूद है और वाई के भी इत्तेफाक से 5000। स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस, स्टैंडर्ड रेट क्या है बेटा, डायरेक्ट लेबर 1 घंटे काम करने के 2.20 रुपए लेती है, यानी लेबर क्या बोल रही है, उससे आप पीएस बनवाओ या टीजी बनवाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 1 घंटे। मटेरियल 7.2 का मिलता है पर केजी, वाई 0.56 पर केजी का मिलता है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल 1.54 पर लेबर आवर लग जाते हैं और फिक्स वाले 0.54। बड़ा सिंपल है, प्रिपेयर फंक्शनल बजट। अब इसका मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ किसी बजट का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने अभी आपको बोला ये सीखने वाला सवाल है, यानी इस डेटा से जितने बजट निकाल सकते हो निकाल के दिखा दो। सवाल एग्जाम के कुछ इस किस्म के होते हैं, कौन कौन से बजट उसको चाहिए वो नाम बताता है, जैसे बोलेगा भी कैश बजट बना के दिखाओ, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, प्रोडक्शन बजट बनाओ, पर वो पेपर में जो बोले आप वो बना देना बस। लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए इस डेटा से जितने बजट निकाल सकते हो वो निकालते हैं। मैंने बताया था कि नॉर्मली हम सबसे पहले उस बजट को बनाते हैं जिसके ऊपर बाकी बजट डिपेंड कर रहे होते हैं, और यूजुअली वो होता है सेल्स का बजट। अमूमन देखा गया है बेटा, हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लिमिटेड होती है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट ये तो शायद ही बोलता हो जितनी चीजें बनाओ मैं बेच के दिखा दूं, तो प्रोडक्ट की अपनी एक लिमिटेड डिमांड है। अब उस डिमांड को मीट करने के लिए ही चीजें बनानी पड़ेंगी, और जितनी बनाओगे इतने की ही कॉस्ट लगेगी, तो इस वक्त सब कुछ डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बनेगा सेल्स का बजट, बहुत आराम से बनेगा। 2 प्रोडक्ट है ठीक है सर, दोनों की एनुअल डिमांड भी हमें पता है, आने वाले साल में आप एक चीज कितने की बेचोगे वो भी आपको पता है। अगर मैं एनुअल डिमांड को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आने वाले साल की सेल्स निकल आएगी। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं सेल्स के बजट से। दो प्रोडक्ट हैं तो मैंने एक कॉलम प्रोडक्ट्स के लिए बना दिया, दोनों प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी एनुअल डिमांड है तो मैंने एक कॉलम डिमांड का बना दिया, फिर इन दोनों प्रोडक्ट की अपनी अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है एक कॉलम इसका बना दिया, और जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आने वाले साल की टोटल सेल्स मेरे सामने आ जाएगी। 2 प्रोडक्ट हैं, नाम लिख दिए टी एस एंड टी जी। एनुअल डिमांड फर्स्ट पैरा में गिवन है, टी एस आने वाले साल में हम लोग सोच रहे हैं कि वो 5000 यूनिट सेल करें, और टी जी सोच रहे हैं वो 1000 यूनिट सेल करें। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सोची गई है कि हम पीएस 65 रुपीज का सेल करेंगे और टीजी ₹100 का सेल करेंगे। अब जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये बेटा 325,000 and 1 lakh, और जब इनका मैंने सम करा वो बन गया 425। जाहिर ये छोटी सी बात हमने की है लेकिन इससे इंफॉर्मेशन बड़ी निकल आई है। फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी मैनेजमेंट को बता रहा हूँ, जो कुछ आप सोच रहे हो ना उसके मुताबिक आने वाले साल में हमारी टोटल सेल 4,25,000 रुपए की होने वाली है। ब्रेकअप क्या है, उसमें 3,25,000 की सेल वो पी एस की हो रही होगी और 1 लाख रुपए की सेल टीजी की हो रही होगी। फर्दर ब्रेकअप क्या है,
5000 पीएस हम बेचने में शायद कामयाब हों और हर पीएस 65 रुपए का बिकेगा, और हम 1000 टीजी बेचेंगे, हर टीजी 100 रुपए का बेचेंगे। आप पता क्या बोलोगे, शर्माजी यार कुछ पहले पैराग्राफ में था, आपने एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर दी, वो सेल्स का बजट बन गया। बेटा बजटिंग के अंदर ज्यादातर यही तो करते हैं, ये जो हमारे हाथ में है ना सवाल, दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। इनको क्या कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है फोरकास्टिंग आप करके दिखाओ, फोरकास्टिंग हमने थोड़ी करनी है यार, हमें क्या पता हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, हमें क्या पता। हाँ अगर का डेटा दो और वो डेटा देना जिसपे बॉस अकाउंटेंट काम भी कर सके, चल भाई आने वाले साल में इतनी सेल्स करनी, करने के लिए चीजें चाहिए होंगी और चीजों को हम बनाते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह की बात कर रहे हैं, बनाने के लिए अब चाहिए प्रोडक्शन का बजट। प्रोडक्शन बजट ये बनेगा यूनिट्स के अंदर, ठीक है सर, प्रोडक्शन चीजों के अंदर। अभी हम यूनिट का हिसाब किताब कर रहे हैं, इस वक्त हमें दो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, तो हमारा मेन कॉलम एक बनेगा पीएस और एक बनेगा टीजी। अब इन दोनों की मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। प्रोडक्शन बजट बहुत सिंपल है बेटा, पहले उसको रफली समझना ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसको फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 चीजें चाहिए बेचने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, भाई 100 तो बनाओ बनाओ, अभी 50 चाहिए बचाने के लिए, फिर 150 बनाओ, 100 बेच देना 50 बना बचा लेना। मैंने कहा 10 पहले से हैं, अब कितने बनाओ, 140 बनाओ, बनाओ बेचने के लिए, 50 बनाओ बचाने के लिए, टोटल तुम्हें 150 की रिक्वायरमेंट है, उस 150 में 10 पहले से हैं वो माइनस कर दो, एक 40 और बना लो, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फॉर्मेट की शक्ल में लिख इस बजट का स्टार्ट। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही बेटा, अभी बताइएगा, अभी आवाज सही है कुछ? ये सर सही है, ठीक है बेटा, अभी चेक कर लो, मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम तेज किया है, फिर भी अगर तंग करे बाद में बता देना, फिर मैं माइक की बैटरी चेंज करवा लूंगा। चलें, अब इसके लिए बेटा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है सर, ये चीज वापस से बता दें प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, मैं बेटा बात कुछ इस तरह बता रहा था दोस्तों को कि प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए कुछ इस किस्म का फॉर्मेट हम बनाते हैं, कितनी चीजें चाहिए बेचने के लिए, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट बेचने के लिए चाहिए, अगर 100 बेचने के लिए चाहिए तो 100 तो बनाने ही पड़ेंगे, 50 चाहिए बचाने के लिए, अगर 50 बचाना भी चाहते हो उसको भी बनाओ, टोटल 150 तुम्हें चाहिए। अब ये बताओ क्या पहले से कोई है? मैंने कहा हाँ 10 चीजें से मौजूद हैं, अगर 10 पहले से हैं तो 150 में बता दो, अब कितने बनाओ, 140 बनाओ, 140 नए बनाओ, 10 पहले से हैं, टोटल 150 हो जाएंगे, उस 150 में से 100 सेल कर देना, बाकी 50 तुम बचा लेना। अब यही बात हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने जा रहे हैं, यूनिट्स टू बी सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड करने के लिए चाहिए? सर 5000 यूनिट पीएस के और 1000 यूनिट टीजी के सिर्फ सोल्ड के लिए चाहिए। अब इसके अंदर ऐड करवाओ डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, कितना स्टॉक आप बचाना चाहते हो, ये डिजायर्ड क्लोज की फिगर एडवांस सवालात में हमें बहुत तंग करने वाली है, ये तो शरीफ सवाल है इसमें दिया हुआ है, वरना ये फिगर निकालने का डेटा देता है, इस फिगर को कैलकुलेट करना पड़ता है। चल भाई ये दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक पीएस का 1100 और टीजी का 50, 1100 यूनिट हम पीएस के बचाना चाहते हैं और 50 यूनिट टीजी के, तो हमें टोटल 6100 यूनिट पीएस के चाहिए और 1050 यूनिट टीजी के चाहिए। अब अगर कोई चीज पहले से ओपनिंग में है
उसे माइनस कर दो, लेस ओपनिंग का स्टॉक, और ओपनिंग में चीजें हैं हमारे पास, 100 यूनिट पीएस के पहले से हैं और 50 यूनिट टीजी के हैं, तो 6000 यूनिट आप पीएस के बनाओ और 1000 यूनिट आप टीजी के बनाओ। अब प्लीज ध्यान से देखना, पीएस बेचने हैं 5000, लेकिन बना कितने रहो 6000, बेचना कुछ और है और बनाना कुछ और है। कोई अगर हमसे ऐसे बोले अभी तो ये बेचने 5000 है 6000 क्यों बना रहा है, क्या बोलेंगे, हमें बचाने भी तो हैं, बचाने के लिए बनाऊंगा तो बचेंगे ना। तो बजट बनाते वक्त इन बातों का भी ख्याल करना पड़ता है कि क्या तुम कुछ स्टॉक बचाना भी चाहते हो, अगर हाँ उसको भी अपने बजट में ध्यान में रखो। भाई प्रोडक्शन भी पकड़ में आ गई, अब शुरू हुए कॉस्ट के बजट, बनाने के लिए मटेरियल भी लगेंगे, बनाने के लिए लेबर भी लगेगी और बनाने के लिए ओवरहेड भी लगेंगे। अब हमें मटेरियल कॉस्ट के बजट बनाने, मैंने आपको लास्ट क्लास नाम लिखवाए थे, एक कहलाता है मटेरियल का यूजेज बजट और एक कहलाता है मटेरियल का परचेज बजट, सिखाकर गया था, पहले कौन सा बनेगा, सिखाकर गया था पहले यूजेज। जब तक हम लोगों को अपना इस्तेमाल पता नहीं होगा हम परचेज कर देखते हुए, तो पहले बनेगा मटेरियल का यूजेज वाला बजट। चलिए बेटा डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट, हम लोग अपनी चीजों को बनाने के लिए दो किस्म के मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, एक्स एंड वाई, तो यूजेज दोनों का ही निकालना पड़ेगा। तो इस वक्त मैंने एक कॉलम बनाया एक्स का और एक कॉलम बनाया वाई का, हमारे पास यूजेज दिया हुआ है केजी के अंदर, तो पहले मैं इस बजट को केजी में बना रहा हूं, बाद में रुपीस में कन्वर्ट कर लूंगा। चले भाई एक्स और वाई क्यों चाहिए, सिर्फ पीएस और टीजी बनाने के लिए, पहले पीएस का हिसाब कर रहा हूं, पीएस कितने बनाने हैं, पीएस हमें बनाने हैं 6000, 6000 पीएस बनाने में एक्स भी लगेगा वाई भी लगेगा, 6000 पीएस बनाने। अब एक पीएस बनाने में एक्स कितना लगता है, वो लगता है 12 केजी, फिर 6000 पीएस बनाने, 6000 पीएस बनाने में कितने लगेंगे, वाई लगेगा 6 केजी, सही कॉलम को देखना, 6 केजी मल्टीप्लाई बाय 6, 72,000 केजी एक्स के और 36,000 केजी वाई के हमें चाहिए सिर्फ पीएस बनाने के लिए। अब ये दोनों मटेरियल हमें और चाहिए टीजी बनाने के लिए, टीजी हमें बनाने हैं 1000, एक टीजी बनाने में मटेरियल एक्स 12 केजी इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई बाय 12, और एक टीजी बनाने में मटेरियल वाई वो 8 केजी इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गए बेटा 12000 और ये हो गए 8000। अब इनको मिला लें, ये हो गए 84,000 एंड 44,000। ये आपने अभी क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया मटेरियल टू बी यूज्ड, आने वाले साल में इतना मटेरियल आपको यूज करने के लिए चाहिए होगा, लेकिन अभी जो आपने निकाला है ना क्वांटिटी निकाली है केजी के अंदर,
अगर चाहो तो उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट पर केजी लास्ट पैराग्राफ में दी हुई है। अब इसके नीचे हमने एक और लाइन लिख दी, कॉस्ट पर केजी। सर जी एक्स मिलता है 0.72 का, रुपीज 0.72, और वाई कितने का मिलता है? वाई मिलता है 1.56, रुपीज 1.56। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 60480 एंड 68640, ये बेटा हमारा निकल आया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज्ड। आने वाले साल में जितना मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे वो तकरीबन इतने का होगा, ये इस्तेमाल होने वाले की कॉस्ट है। अब इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मटेरियल खरीदना भी पड़ेगा। ऑप्शन वन अभी बोल दूं, अभी पहले ही इतना पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है खरीदने की? हाँ फिर तो वाकई भी नहीं खरीद, पहले देखना पड़ेगा है या नहीं। हमें एक्स चाहिए 84,000, और एक्स का डेटा देखो, एक्स ओपनिंग में कितने पड़े हुए, सिर्फ 5,000, इतने तो एक्स है ही नहीं, खरीदने पड़ेंगे। वाई हमें चाहिए 44,000, और वाई कितने पड़े, इत्तेफाक से वो भी 5,000 है, तो हमें एक्स भी खरीदने पड़ेंगे वाई भी खरीदने पड़ेंगे, वरना जितनी प्रोडक्शन आप सोच रहे हो वो आप कर नहीं पाओगे। अब हमारा नेक्स्ट बजट डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, यूज्ड करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए इतना ओपनिंग में है नहीं, इसलिए और खरीदना पड़ेगा। परचेज हमें एक्स भी करना है, परचेज हमें वाई भी करना है। पहले इस बजट को भी केजी में बनाते हैं, चाहो तो रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बेटा परचेज बजट भी कुछ प्रोडक्शन बजट की तरह ही बनेगा, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल 100 चीजें चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, तो भाई 100 केजी खरीदो। सर जी 50 केजी चाहिए बचाने के लिए, वो कितने खरीदो, 150 खरीदो। 10 केजी पहले से हैं, कितने खरीदो, 140। 140 नए खरीदो, 10 पहले से हैं, कितने हो गए, 150। उन 150 में से 100 यूज कर लेना, 50 बचा लेना, कुछ वैसे ही फॉर्मेट यहां पे भी बनेगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज्ड, कितना मटेरियल यूज्ड करने के लिए चाहिए, यूज करने के लिए हाँ भाई कितना चाहिए, 84,000 केजी ऑफ एक्स एंड 44,000 केजी ऑफ वाई, ये तो हमें यूज्ड करने के लिए चाहिए, सही है सर। अब क्या चाहिए, बचाने के लिए चाहिए, एड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, कुछ बचाने के लिए भी चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर थर्ड लास्ट पैरा में दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन केजी, 6,000 केजी एक्स के और 1,000 केजी वाई के चाहिए, टोटल 90,000 केजी एक्स एंड 45,000 केजी वाई की हमें जरूरत पड़ने वाली है। इतने हो तो यूज भी हो जाएंगे, बच भी जाएंगे, लेकिन कुछ पहले से हैं, जो पहले से हैं वो हमारी परचेज की जरूरत को कम कर देंगे। लेस ओपनिंग स्टॉक, हाँ भाई ओपनिंग स्टॉक सर 5,000 ईच, ये आप लेस कर दो, ये पहले से हैं आपके पास। जी भाई 85,000 केजी ऑफ एक्स एंड 40,000 केजी ऑफ वाई, ये आपने निकाल लिया डायरेक्ट मटेरियल
टू बी परचेस्ड। आने वाले साल में सब कुछ अगर वही हुआ जो आप सोच रहे हो, तो आपको 85,000 केजी ऑफ एक्स और 40,000 केजी ऑफ वाई खरीदने पड़ेंगे। और ये फ्री के नहीं मिलते, पैसों के मिलते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट पर केजी एक्स कितने का मिलेगा, 0.72, और वाई कितने का मिलेगा, 1.56। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर रुपीस में आ जाएगा। ये अब निकल आया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेस्ड। सर जी, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकल आई है जो हमें परचेज करना पड़ेगा। मेरा भाई समझ में भी आ रहा है? फिर बोल रहा हूँ, शरीफ सवाल है, सब कुछ दिया हुआ है, हम थोड़ा सा एक नए फॉर्मेट को देख रहे हैं। आगे जाकर यही चीजें मिसिंग होना शुरू हो जाएंगी, फिर हमें ढूंढनी पड़ेगी। चल भाई, पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का वो है मटीरियल, मटीरियल का सारा काम हो गया। अब हमें इस्तेमाल करने के लिए कितना उसकी बजटिंग भी हो चुकी है, और कितना परचेज करना पड़ेगा उसकी बजटिंग भी हो चुकी है। डायरेक्ट लेबर के ऊपर बात कर रहे हैं। लेबर के लिए अमूमन दो बजट बन सकते हैं, आवर्स का बजट, घंटों का बजट, और एक बन सकता है उन घंटों की कॉस्ट का बजट। अभी पहला सवाल है, मैं दोनों बजट अलग अलग बना रहा हूं, लेकिन आगे जाके बड़े सवालात में मैं इन दोनों को एक साथ मिला दिया करूंगा। डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट, इस वक्त सिर्फ लेबर के घंटों का हिसाब किताब हो रहा है। जब बेटा लेबर के घंटों का हिसाब किताब करेंगे, तो ये हिसाब किताब दो प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो एक कॉलम हमने बना दिया प्रोडक्ट्स के लिए, लेबर के घंटे डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, तो एक कॉलम प्रोडक्शन का बना दिया। लेबर के घंटे एक यूनिट के हमें पता होने चाहिए, एक कॉलम बना दिया आवर्स पर यूनिट। जब प्रोडक्शन को एक यूनिट के घंटों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल आवर्स पकड़ में आ जाएंगे। दो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, पीएस एंड टीजी। प्रोडक्शन डिसाइडेड है, 6,000 यूनिट पीएस के हम बनाना चाह रहे हैं और 1,000 यूनिट टीजी के बचाना चाह रहे हैं। आवर्स पर यूनिट ये क्वेश्चन के अंदर मिडिल में दिए हुए, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। लेबर 8 घंटे में पीएस बनाती है और 12 घंटे में टीजी बनाती है। 12 घंटे ये है एक यूनिट के घंटे, और 8 घंटे, मिल गया बेटा इन्फॉर्मेशन? ये अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, 8 और 12। 8 घंटे लगते हैं पीएस बनने में और 12 घंटे लगते हैं टीजी बनने में, एक यूनिट में। हमें 6,000 पीएस बनाने, 6,000 × 8, 48,000 घंटे, और 1,000 × 12, 12,000 घंटे, और इनका सम बन गया 60,000। भाईजान, ये है वो चीज जिसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते थे बजटेड लेबर आवर्स। पर याद आ रहा है कुछ, जब आप लोग सवालात करते थे अक्सर एफओएच का रेट निकालते थे, और एफओएच का रेट निकालते थे बजटेड आवर्स के ऊपर। अब चाहे वो मशीन के आवर्स हो, चाहे वो लेबर के आवर्स, तो इस वक्त लेबर के निकल आए बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स आर बेस्ड ऑन
बजटेड प्रोडक्शन, ये ध्यान में रखना। बजटेड आवर्स किस पर बेस करते हैं? बजटेड प्रोडक्शन के ऊपर। अब बेटा अगर लेबर के आने इतने इतने घंटे चाहिए, अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग बीच में ला रहा हूं, सवाल अभी के इतने तो घंटे ही नहीं है। चल मेरा भाई सवाल किसी और तरफ निकल गया। मीटिंग अगर घंटे कम है, या भी बोल दे तुम्हें चाहिए 60,000 घंटे, लेबर के सिर्फ 50,000 घंटे अवेलेबल है, अब फैसला करना है पहले पीएस बनाऊं या टीजी बनाऊं। वो देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कौन ज्यादा कमा के देता है, जो ज्यादा कमा के देता है पहले उसकी डिमांड पूरी करूंगा, अगर घंटे बचे तो दूसरी प्रोडक्ट को भी थोड़ा बहुत बना दूंगा। मैंने आपको समझाया था लिमिटिंग फैक्टर वाले बजट आपकी बुक में नजर नहीं आते, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम यहाँ पे जो भी बजट बनाएंगे वो बनाएंगे जिसमें सारे रिसोर्सेज फुली अवेलेबल है। अब इन घंटों के लेबर को कोई ना कोई पैसे भी दोगे, लेबर काम करेगी तो पैसे भी लेगी। अब हम लेबर की कॉस्ट का बजट बना रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। चल बेटा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बजट, जब कॉस्ट का बजट बनाएंगे बहुत सिंपल, हमें दो प्रोडक्ट लेबर से बनवानी है, उसके टोटल आवर्स पहले से कैलकुलेटेड है, लेबर का रेट पर आवर भी हमें पता है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बेटा कुछ कह रहे हैं? अजान हो रही है, ठीक है बेटा जरा दो मिनट वेट कर लेते हैं, अजान की आवाज आ रही है। क्लास 7 बजे तक है, लास्ट क्लास हमने जल्दी ऑफ करवा ली थी, अभी इसके बाद मुझे कैश बजट भी सिखाना है और जब तक 7 बजे तक मगरिब कज़ा हो जाएगी, तो 2 मिनट बैठने से बेहतर है नमाज ब्रेक अभी दे देता हूँ, दे दूँ? चले सर नमाज पढ़ के आ जाए, 10 मिनट की ब्रेक है फिर शुरू करते हैं। पर्सन प्रेजेंटेबल होना चाहिए बस, जब आपको के अपना एम्बेसडर बना के भेजें तो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो तो अच्छा होता है। आप आ जाए अकेले अकेले नहीं, नहीं। चलो बेटा दोबारा काम को रेज्यूम करते हैं। अच्छा ठीक है ना सर, बोर्ड की पिक्चर बेटा इंशाल्लाह जरा पहले
बोर्ड कंप्लीट हो जाए, इसकी पिक्चर भी सेंड करता हूँ। अभी बात चल रही थी डायरेक्ट लेबर के आवर्स बजट पे, आवर्स का बजट तो बन गया। कि सब कुछ अगर वही हुआ जो हम लोग सोच रहे हैं तो तकरीबन 60,000 घंटों की लेबर के जरूरत पड़ेगी। अब इन घंटों के पैसे भी देंगे, PS NTG टोटल आवर्स, PS बनाने के लिए हमें लेबर के 48,000 घंटे चाहिए और TG बनाने के लिए लेबर के 12,000 घंटे चाहिए। ये तो हमारे आवर्स हो गए। अब लेबर का रेट पर आवर क्वेश्चन में गिवन है लास्ट के अंदर कि लेबर से आप कोई भी चीज बनवा लो वो 2.20 रुपए एक घंटे के लेती है, ₹2.2 पर आवर। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 105,626,400 टोटल 132,000। आने वाले साल में हमें 132,000 लेबर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिसमें से 1,05,000 PS बनाने के लिए और 26,400 TG बनाने के लिए। चले भाई मटेरियल के पहले दो बजट बनाए, नंबर वन यूजेज, नंबर टू परचेज। लेबर के भी दो बजट बनाए, लेबर के घंटों का बजट और घंटों की कॉस्ट का बजट। आप गौर करो मटेरियल हो या लेबर, ये डिपेंड कर रहा है प्रोडक्शन पे, ये सारी कॉस्ट प्रोडक्शन पे बेस कर रही है और दूसरी बात प्रोडक्शन खुद बेस कर रही है सेल्स के ऊपर। तुम्हारा मेन बजट कौन सा था, वो था सेल्स का बजट, उसी को देखते हुए बाकी सारे बजट तैयार किए जा रहे हैं। अब हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड की डिटेल क्वेश्चन में गिवन है लास्ट पैराग्राफ के अंदर, लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 1.54 पर लेबर आर और फिक्स का रेट है 0.54 पर लेबर आर। हमारी लेबर एक घंटे काम करती है, 1.54 के वेरिएबल ओवरहेड लग जाते हैं और एक घंटे काम करने पर 0.54 के फिक्स ओवरहेड लग जाते हैं। अब हम प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट बनाने जा रहे हैं। अब प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट बनाने के लिए दोनों को मिला के भी काम कर सकता हूं, लेकिन फिर बोल रहा हूं पहला ही सवाल है, चलो एक एक बजट अलग अलग बना रहा हूं। इसमें सबसे पहले आ रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, तो पहले हम बना रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का बजट। ओवरहेड हमारे बेस कर रहे हैं लेबर के घंटों पर और लेबर के घंटे प्रोडक्ट वाइज पहले से कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पे एक कॉलम आप प्रोडक्ट्स का बनवा लो, फिर एक और कॉलम किस चीज का, सर लेबर के टोटल आवर्स का बना लो, फिर वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आर एंड फाइनली टोटल कॉस्ट। हमें PS भी बनाने हैं, PG भी बनाने हैं। ये बनाने में 48,000 घंटे PS के लिए लगेंगे, 12,000 घंटे PG के लिए लगेंगे और वेरिएबल का रेट दिया हुआ है 1.54 पर लेबर आर। हमारी लेबर एक घंटे काम करती है, 1.54 के वेरिएबल ओवरहेड लग जाते हैं। अब इनको जस्ट घंटों से मल्टीप्लाई कर लें, $73,920 एंड 18480 और इनका सम ले लें,
92,400। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं तो आने वाले साल में वेरिएबल ओवरहेड 92,400 के लग जाएंगे। अब बेटा ऐसा ही फॉर्मेट इसके लिए बन जाएगा, फिक्स ओवरहेड के लिए। बोर्ड की पिक्चर मैंने भेज दी है इसलिए फर्स्ट साइड में बिठा रहा हूं। अब हम तैयार कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट। इसके लिए भी एक कॉलम प्रोडक्ट्स का बन गया, एक कॉलम टोटल घंटों का बन गया, एक कॉलम रेट पर आवर का, और एक और कॉलम टोटल कॉस्ट का बन गया। दो प्रोडक्ट हैं पी एस एन टी जी, घंटे वही हैं, 48,000 घंटे लेबर काम करेगी पी एस के लिए, 12,000 घंटे काम करेगी टी जी के लिए। और लेबर जब भी काम करती है 0.54 के फिक्स्ड ओवरहेड्स लग जाते हैं। मल्टीप्लाई कर लें बेटा 2,5,920 सेकेंड 6,480 बस सम 32,400। ये जो आपने भी निकाले हैं ना ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल, इसे कॉस्टिंग में हम कहते थे बजटेड ओवरहेड्स। जब हम रेट निकालते थे दो चीजें, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, अब चाहे वो मशीन के हो या लेबर के हो। इस सवाल में मशीन का डेटा नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल एक दो बीच में आएंगे यहाँ पर हम मशीन के घंटों का बजट भी बनाएंगे। चल मेरा भाई, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तो तीनों पूरे हो गए, मटेरियल के दोनों बजट बन गए, लेबर के दोनों बजट बन गए, ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल बन गए। अब इस डेटा से और क्या निकाला जा सकता है सर जी? अब इस डेटा से एक चीज और निकाली जा सकती है और वो हमारे पास है कॉस्ट पर यूनिट। आने वाले साल में आप पीएसबी बनाना चाह रहे हो, पीजीबी बनाना चाह रहे हो, आप मालूम करो बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, एक पीएस कितने का बनेगा और एक पीजी कितने का बनेगा। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, आपने कहा सर इस इंफॉर्मेशन को निकाल के हो क्या जाएगा? बेटा का मुझे कॉस्ट पर यूनिट पता चल गई ना तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लूंगा, उससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैंने मालूम कर ली ना, सेल्स मुझे पहले से पता है, अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लूंगा तो मैं आने वाले साल का ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लूंगा, तो कुछ हद तक तो काम हो जाएगा। शाबाश, अब कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, आने वाले साल में एक पीएस कितने का बनेगा और एक पीजी कितने का बनेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर भी पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि आने वाले साल में जो भी पीएस बनाओगे उसमें मटेरियल कितने का लग रहा होगा एक यूनिट में। हमने अभी जो हिसाब किताब किया हुआ है वो पूरे साल का किया हुआ है, अब हमें एक यूनिट के हिसाब किताब पे आना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटीरियल,
चीजों को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे, मटेरियल भी दो लगाएंगे, एक्स भी लगाएंगे वाई भी लगाएंगे। पहले एक्स की बात करते, पी एस बनाने के लिए मटेरियल एक्स 12 किलो लगेगा, 12 किलो ठीक है सर। और हर किलो कितने का मिलेगा, हर किलो कितने का मिलेगा, 0.72। 12 किलो एक्स लगेंगे पीएस में और हर किलो 0.72 का मिलेगा ठीक है। फिर यही एक्स टीजी बनाने में भी लगेगा, टीजी बनाने में भी एक्स कितना लगेगा, इत्तेफाक से 12 केजी लगेंगे और हर केजी 0.72 का होगा जी। कितने ₹8.64 का मटेरियल एक्स लगेगा पी एस में भी और इत्तेफाक से टीजी में भी। अब वाई लगेगा, वाई लगेगा 6 केजी और एक वाई कितने का मिलता है, 1.56। टीजी बनाने में वाई लगेगा 12 केजी, 8 केजी और हर केजी 1.56 का होगा, 9.36 एंड 12.48। अब इनका सम ले लो तो मटेरियल की कॉस्ट पकड़ में आ जाएगी, एटीन का मटेरियल पीएस में और 21.12 का मटेरियल टीजी बनाने में लगेगा। ये तो अभी सिर्फ मटेरियल की बातें हुई, फिर आने वाले साल में चीज बनाने के लिए लेबर से भी काम करवाओगे, अब डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट चाहिए। लेबर एक पी एस को 8 घंटे में बनाती है और 1 घंटे के ₹2.20 लेती है। लेबर एक टी जी को 12 घंटे में बनाती है और हर घंटे के ₹2.20 लेती है। ₹17.6 and ₹26.4। सही है सर जी। अब क्या लगेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल वाले भी लगेंगे फिक्स वाले भी लगेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर पहले वेरिएबल की बात हो रही है। एक पीएस बनाने में लेबर के 8 घंटे लगेंगे और हर घंटे में वेरिएबल खर्चे 1.54 के होंगे। एक टीजी बनाने में लेबर के 12 घंटे लगेंगे, हर घंटे में 1.54 के वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। ये बेटा घंटों को वेरिएबल के रेट से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना 12.32, 18.48। इसी तरह कुछ फिक्स्ड ओवरहेड भी लगेंगे। 8 घंटे में पीएस बनेगा, हर घंटे में 0.54 के हमारे पास फिक्स ओवरहेड लगेंगे। 12 घंटे में टीजी बनेगा, हर घंटे में 0.54 के हमारे पास फिक्स ओवरहेड लगेंगे, 4.32, 6.48। अब इनका भी पहले सब टोटल दिखा देता हूं। हाँ जनाब, कितना
16.64 and 24. ठीक है सर, अब इन सब का सम ले लो। डीएस कितना है 52.24 एंड टीजी 48। सब कुछ अगर वही हुआ जो हम लोग सोच रहे हैं तो आने वाले साल में एक पीएस 52 का बनेगा और एक टीजी 72 का बनेगा। ये सब बजटेड कॉस्ट है। अब दोस्त इसकी मदद से हम लोग एक बजट और बना सकते हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आने वाले साल में जो सामान बिकेगा वो कितने का होगा। अब जैसी मैंने लिखा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर अगर आप थोड़े समझदार हो एक सवाल उठा दोगे। आपने कहा शर्मा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला नॉर्मली होता है ओपनिंग स्टॉक एट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बना के बेच रहा है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। आपने कहा ये तो पता चल गया आने वाले साल में जो नई चीज बनेगी वो इतने इतने की होगी। एक बात नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो कितने का पड़ा हुआ है। लाजमी थोड़ी है जितने की चीज नए साल में बने इतने की चीज ओपनिंग में भी हो, लाजमी थोड़ी है। और महंगाई का दौर है, वही आगे ना बात, कॉस्ट तो बदल जाती है हमेशा। फिर मैंने बोला ये शरीफ सवाल है, जब हम बड़े सवाल करेंगे ना जैसे लिखा होगा कंपनी फीफो मेथड फॉलो करती है या लिखा होगा कंपनी वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करती है, तो बजट बनाते हुए उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो पहले थी, पहले वो बेची होगी, जरूरत पड़ी होगी तो नई वाली बेची होगी और बाद वाली बच गई होगी। अगर यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे ओपनिंग की कॉस्ट तो है नहीं, अगर निकालना चाहते हैं तो भाई सही कह रहा है, एज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन एक ही ले सकते हो, जितने की नई चीज बनेगी इतने की पुरानी चीज भी है। अभी बोल दो नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ नहीं है, बताओ कितने की है। फंस गए ना हम लोग, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अकल कहती है नई और पुरानी चीज सेम पैसों की नहीं होगी यार, लेकिन अब इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सर पुरानी हो या नहीं चीज सेम है। ठीक है सर, चलो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है, सोल्ड कितने करने। बस पैरा फिर देखो, 5000 पीएस बेचने और 1000 टीजी बेचने। पहले पीएस को समझो, 5000 पीएस चाहे पुराने वाले बेचो वो भी उसी कॉस्ट वाले हैं, चाहे नए वाले बेचो वो भी उसी कॉस्ट वाले। अगर टीजी की बात करते हो तो सर चाहे पुराने वाले बेचो, हम एज्यूम कर रहे हैं वो भी इतने वाले हैं और नए वाले भी इतने वाले, तो फिर तो जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करने की देर है। ठीक है, प्रोडक्ट्स यूनिट्स सोल्ड देन कॉस्ट पर यूनिट, तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। दो प्रोडक्ट हैं पी एस एंड टी जी, यूनिट सोल्ड 5000 यूनिट पी एस के सोल्ड करेंगे और 1000 यूनिट हम टी जी के सोल्ड करेंगे। हाँ भाई, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी,
सर आने वाले साल में जो चीज बिकेगी 52.24 का वो पीएस होगा और 72.48 का वो टीजी होगा, मल्टीप्लाई कर लें। टू सिक्स 1200 एंड 72,480 72। अब इनका सम ले लो 333,680। सर आने वाले साल में जो चीजें हम सोल्ड कर पाएंगे वो शायद 333,680 की होगी। अब यहां से बेटा एक आखिरी काम, एक आखिरी इंफॉर्मेशन और डिराइव कर सकते हो, वो है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन लिमिटेड बन पाएगा, लिमिटेड। इतना डेटा नहीं है, ना एडमिन एक्सपेंस पता है, ना सेलिंग एक्सपेंस पता है, ऐसे सवाल होंगे उसमें पता होंगे, इसमें नहीं पता, वो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक ही जा सकते हैं। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PSTG, अब एक कॉलम और ऐड कर रहा हूं टोटल। आपने FIR 2 में सेगमेंटल रिपोर्टिंग भी पढ़ी हुई, ऑपरेटिंग सेगमेंट वगैरह, बताइए ना बेटा कि वहां पे इंडिविजुअल भी दिखाते हैं अगर दिखाना चाहो, और टोटल तो दिखाते ही दिखाते हैं। चले सेल्स, आने वाले साल में पीएस कितने की सेल करोगे, इसके लिए सेल्स का बजट देखो। पीएस की सेल थी आई थिंक 325, पीजी की सेल थी 1 लाख और टोटल सेल की 425। आने वाले साल में 4,25,000 रुपए की हमारी टोटल सेल होगी। अब सेल्स में से लेस करवा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये भी निकाला है। पीएस जो बिकेंगे वो 261,200 के होंगे, टीजी जो बिकेंगे वो 72,480 के होंगे और टोटल 333,680। चलिए दोस्त, अब यहां से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट्स निकल आएंगे। अभी इस अटेम्प्ट में जो सवाल आया है बजटिंग का, इस अटेम्प्ट में वो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ही आया है। आप खुद देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचने के लिए बैकअप में इंफॉर्मेशन कितनी सारी निकालनी पड़ती है। जब तक वो सारी इंफॉर्मेशन अपने हाथ में नहीं आएगी, हम प्रॉफिट एंड लॉस बना नहीं, हमें क्या लग रहा है इतना सा तो है, इतना सा फिगर लिखने के लिए पहले हम शुरू कहाँ से हुए थे और पहुंचे कहाँ तक है, क्योंकि सारे बजट थे। अब एग्जाम का सवाल इतना शरीफ तो नहीं होगा ना, सब कुछ दिया हुआ होगा, तो कुछ फिगर वो दे देगा, कुछ आपसे निकलवाएगा, बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्त उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यह था कि डिफरेंट टाइप के बजट के फॉर्मेट आपके रिकॉर्ड में आ जाए। चल मेरा भाई अब आपको आगे बढ़ाते हैं। बड़े सवालात पे जाने के लिए हमें एक बजट अब और डिस्कस करना पड़ेगा, उसका नाम है कैश बजट। मैंने आपको बताया था कि जब ये टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग में होता था
पास पेपर अगर मैं सारे देखूं तो ज्यादा सवाल जो आए हुए थे वो कैश बजट के आए। इसी तरह आपके बुक में भी जो सवाल ज्यादातर भरे हुए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो सारे पास पेपर के ही हैं, वो भी कैश बजट के ही है। कैश बजट सर पहली बात बनाते क्यों है, वो भी कैश का बजट। देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी एक्टिविटी करना चाह रही है, बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, आप मटेरियल खरीदना चाह रहे हो, खरीद के यूज करना चाह रहे हो, आप लेबर से काम करवा के उसको पैसे देना चाह रहे हो, आप ओवरहेड खर्च करना चाह रहे हो। मैं आपको अभी कहती हूं अच्छा बेटा मैं आपसे अभी कह दूं सर आने वाले साल में शायद इतना कैश अवेलेबल ही ना हो कि जितनी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हो वो एक्टिविटी बैकअप कर सको। लो भाई सारी एक्टिविटी रुक गई, जब लेबर को पैसे नहीं दे पाओगे तो प्रोडक्शन क्यों करके देगी, जब मटेरियल के सप्लायर को पैसे नहीं दे पाओगे तो मटेरियल की शिपमेंट बंद हो जाएगी, जब ओवरहेड बिजली के बिल भर ही नहीं पाओगे तो प्रोडक्शन कहाँ से करोगे। तो ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बैकअप में क्या चाहिए, कैश भी तो चाहिए। मैनेजमेंट फ्यूचर की कैश की पोजीशन देखना चाहती है दो कामों के लिए। नंबर वन, अगर आने वाले पीरियड में कैश की शॉर्टेज नजर आ रही है अभी से तो फिर उसकी प्लानिंग करें वो शॉर्टेज किस तरह से ओवरकम करें, और अगर कैश सरप्लस में नजर आ रहा है तो अभी से उसकी प्लानिंग करेंगे उस कैश को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मैनेजिंग फाइनेंस, ठीक है सर पैसे को फाइनेंस को मैनेज करना है ना बेटा, फालतू पैसा भी बेकार है, रखे रखे कमा के नहीं देगा, कहीं लगाना पड़ेगा, और अगर शॉर्टेज है तो और खतरनाक है। अगर शॉर्टेज है तो मैनेजमेंट फिर देखती है कौन कौन से खर्चे कंट्रोल किए जा सकते हैं, अगर शॉर्टेज है और खर्चे अनकंट्रोलेबल है मतलब वो खर्चे करने ही करने तो फिर सोर्स कहाँ से बना सकते हैं। IAS 23 कोई लोन बोल लें या कोई ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी लें। अब अभी कह दो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, देखनी पड़ेगी उसकी लिमिट कितनी है, हमें जितनी कैश की शॉर्टेज आ रही है क्या वो लिमिट में पूरी हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी। मान लो लिमिट है 100 रुपये की, शॉर्टेज है 110 रुपये की, तो फिर या तो लिमिट को बढ़ाने की कोशिश करो या फिर कोई और रनिंग फाइनेंस लेने की कोशिश करो। इस काम के लिए हम फ्यूचर का कैश बजट बनाते हैं। जब आप FER 1 पढ़ते थे तो वहाँ पे आपने सीखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन क्या था वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी, उसका अपना एक स्टैंडर्ड था IAS 7, उसने बताया भाई दो मेथड होते हैं डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड, और फिर इनडायरेक्ट मेथड में तीन एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, ऐसी कोई कहानी मैं करने वाला नहीं है। हम बजट बना रहे हैं, IAS 7 बजटिंग पे अप्लाई नहीं होता, IAS 7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे अप्लाई होता है। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ दो चीजें बनाते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कहाँ कहाँ से कैश आने की उम्मीद है वो सारी उम्मीदें एक जगह लिख लेते, और कहाँ कहाँ कैश जाने की उम्मीद है वो सारा कैश एक जगह पे लिख लेते। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ये बनते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए ये नहीं सोचा अब यार 3,20,000 की सेल करेंगे इसमें से कितना कैश आएगा और कितना नहीं आएगा, हमने क्या बोला सेल हो गई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल करी उठा के सेल में डाल दो। लेकिन कैश बजट के अंदर टाइमिंग ऑफ कैश बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ जनवरी में 100 रुपये की और कैश भी जनवरी में आ रहा है फिर तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन अगर सेल कर रहा हूँ उधार पे और कैश फरवरी में आ रहा है तो सेल रिकॉर्ड होगी जनवरी में, उसका कैश कब आएगा वो फरवरी में आएगा। जब आप मुझसे बोलोगे यार जरा जनवरी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, मैं बोलूँगा सेल 100 रुपये, जब आप मुझे बोलोगे जनवरी का कैश बजट बनाओ तो मैं बोलूँगा इनफ्लो 0, कुछ भी नहीं आएगा, सेल तो बहुत होगी लेकिन इनफ्लो नहीं होगा, वो इनफ्लो कब होगा वो नेक्स्ट मंथ होगा। तो कैश बजट बनाते हुए हमें टाइमिंग पे गौर करना है, ये नहीं देखना सेल कब हुई, ये देखना है उस सेल का कैश कब आएगा किस मंथ आएगा, ये नहीं देखना परचेज कब हुई,
ये देखना है उस परचेज की पेमेंट कब होनी है, क्योंकि हम कैश का बजट बना रहे हैं। अगर कैश का बजट देखो तो बेटा कैश के बारे में आपको पता ही है, कैश बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी आउट हो जाए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाती है एकदम से, क्या बोलते हैं सर करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं बैकअप में कैश ही नहीं है कैसे करेंगे, तो लिक्विडिटी को मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए फिर होना तो ये चाहिए एक एक दिन का कैश का बजट बनाओ। बैठने के लाइफ में तो हमने एक एक दिन का कैश का बजट बनते हुए देखा है, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बारह करते करने वाले फोरकास्टिंग एग्जाम में इतना टेक्निकल नहीं आता, एग्जाम में नॉर्मली आता है एक एक महीने का कैश बजट बना दो या एक एक क्वार्टर का बना दो, बहुत रहम खाएगा क्या कर देगा, चल यार एक साल का हिसाब बना दे आने वाले साल में कितना कैश आने वाला है और कितना कैश जाने वाला है। अब ये कैश बजट का फॉर्मेट अगर मंथली बेस पर बनाएं किस किस्म का होता है पूरा रफली वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बोर्ड को मिटा दूं। चलो बेटा कैश का बजट का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, मान लो एक क्वार्टर का बन रहा है और मंथ बाय मंथ बन रहा है। इस बजट की दो साइड होती है, पहली साइड जो कहलाती है इनफ्लोस, जिसे हम रिसीट साइड भी कहते हैं। रिसीट साइड हमें ये बताएगी आने वाले महीनों में कहाँ कहाँ से कैश आने की उम्मीद है। अगर आपका नया बिजनेस है, नया बिजनेस और आप बजट पहली बार बना रहे हो, मुमकिन है कुछ आपके पास कैश शेयर कैपिटल से आने की उम्मीद हो। शेयर्स बेचने कैश आता है ना बेटा, वो कैश बार बार नहीं आता, हर महीने नहीं आता, एक आध बार ही आता है। एज्यूम कर रहा हूं जनवरी में कुछ कैश शेयर कैपिटल से आने की उम्मीद है। फिर आप सेल करते हो, दो किस्म की सेल करोगे, कैश सेल भी होगी क्रेडिट सेल भी होगी। अगर कैश सेल होगी तो वो जिस महीने होगी उसका कैश उसी महीने आ जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट सेल होगी तो क्रिएट होगा डेटर। अब देखना पड़ेगा डेटर की पॉलिसी क्या है आपकी, आप कितने दिन का क्रेडिट अलाउ करते हो और वो दिन कब पूरे होंगे। तो बहरहाल कुछ ना कुछ कैश वो आपके पास कैश सेल से आ रहा होगा और कुछ ना कुछ कैश डेटर की तरफ से भी आ रहा होगा। देन आपके पास हो सकता है आप किसी बैंक से लोन वोन ले लो, वो तो अकाउंटिंग कहती है कि लोन लाइबिलिटी होती है, हम तो कैश का बजट बना रहे हैं, लोन से क्या आता है कैश आता है, उसे भी इनफ्लो में ले लो। बैंक लोन, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का मार्च में लोन लेने का इरादा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ कैश हमारे पास लोन से आ जाएगा। ये मैंने भी तीन चार नाम लिखे हैं बेटा, इन तीन चार नाम के जरिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, सवाल के डेटा को पढ़ते हुए जहां जहां से कैश आने की उम्मीद हो बस उसका नाम लिख उसको कैलकुलेट करके उस महीने में लिख दो, समझ गए। और भी सोर्स हो सकती है, सर हमने कोई फिक्स एसेट बेच दिए, अच्छा बेच दिए बेच के कैश आ रहा है लिख दो, तो जो भी सोर्स हो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा या दिया हुआ होगा और जिस मंथ से वो रिलेट कर रहा हो उस मंथ में लिख देना। जब इस किस्म की चीजें आप लिखोगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा हर महीने कितना इनफ्लो होने की उम्मीद है।
इनफ्लो के अगेंस्ट कुछ ना कुछ आउटफ्लो भी होगा, आउटफ्लोज ऑफ कैश जिन्हें हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। अब सर किस किस्म की पेमेंट्स? पहली पेमेंट एज्यूम कर रहा हूं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट अक्सर खरीदे जाते हैं, उसके पैसे भी देते होंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं जनवरी में कुछ हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, उनकी पेमेंट्स करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप सप्लायर से परचेज करते होगे, और अगर ट्रेडिंग कंपनी हो जब भी आप परचेज कुछ तो करते होगे। पेमेंट्स टू सप्लायर्स, सप्लायर से चाहे आप कैश पे खरीदो जब भी पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे उधार पे खरीदो पेमेंट को जब भी करनी पड़ेगी, वो पेमेंट या तो सवाल में गिवन होगी या उसको निकालने का डेटा दिया। फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप डायरेक्ट लेबर से भी काम करवाते होंगे, डायरेक्ट लेबर को रेगुलर पेमेंट कर रहे होंगे, वो भी आ गई। आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की पेमेंट भी होगी, चलो वो भी मैंने एज्यूम कर ली। हो सकता है बजटेड पीरियड में आपको कोई टैक्स की पेमेंट भी करनी हो, अगर टैक्स की पेमेंट भी करनी है और जिस महीने करनी है आप उस महीने में लिख दो। बैंक से लोन लिया है, हो सकता है लोन पे क्या देना पड़े, इंटरेस्ट, जब जब देना है वो भी ले लो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लोन मार्च में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंटरेस्ट भी मार्च से देना शुरू करूंगा। इन चंद नामों से सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल में कोई ना कोई वजह बताएगा कहां कहां हमारे पैसे जाने वाले, बस जो भी वजह बताए उसे कैलकुलेट करके यहां लिख देना, इससे आपके सारे आउटफ्लो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हमारे पास इनफ्लो, अब आप इनको नेट कर, जब इनको नेट करोगे या तो बनेगा सरप्लस या बनेगा डेफिसिट। मान लो इसी महीने सरप्लस है, इसी महीने डेफिसिट है। जब आप सरप्लस और डेफिसिट निकाल लोगे तो इसके अंदर एडजस्ट करो ओपनिंग बैलेंस को, हो सकता है कुछ कैश आपके पास पहले से हो, अगर ओपनिंग में कैश है तो ले लो। जब सरप्लस में ओपनिंग ऐड करोगे तो आपका निकल आएगा क्लोजिंग बैलेंस, इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस, और जो इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, निकल आएगा दूसरे महीने का क्लोजिंग बैलेंस, जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, और इस तरीके से आपका कैश का बजट बन जाएगा। जब ये बजट बना लोगे और क्लोजिंग बैलेंस सामने आएगा, या तो वो पॉजिटिव सामने आएगा या फिर वो नेगेटिव सामने आएगा। अगर नेगेटिव है तो सोचो उसे कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो अभी से प्लान करो उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इस किस्म का बेटा फॉर्मेट हमें कैश बजट के अंदर बनाना होता है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया सबके बेटा? चलिए बेटा फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जब मिलेंगे पहले कैश बजट का एक सवाल करवाता हूँ, उसके बाद कुछ मजीद बातें आगे करें। बोल बेटा। जब सारा कैश बजट बन जाएगा, या तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस में होगा, कैश बचा हुआ है, अरे सब कुछ अगर वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो जनवरी में कैश बचा हुआ होगा। अब वो बचे बचे तो कुछ नहीं करेगा, उसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, अभी से उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। और अगर वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है जनवरी में अपने पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि हम जनवरी के खर्चे की पैसे पे कर सकें, अब वो कहां से लेकर आएंगे पैसे, उसकी अभी से प्लानिंग करो। अगर नया बिजनेस है तो बनते वक्त वो शेयर होल्डर को शेयर्स बेचते, बेच कर क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो शेयर बेच के जो पैसा आता है
उसे हम कैपिटल के नाम पे दिखा देते हैं बजट के अंदर। बेटा बजट में सब एस्टिमेट ही होता है, अभी हुआ कुछ भी नहीं है, ये सब एस्टिमेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भाई, दो भाई कह रहे हैं आउटफ्लो में डिविडेंड आ सकता है, मैंने भी क्या बोला था, सवाल में हर वो चीज जिसको देखकर लगे आप उसे ले लो, चाहे वो डिविडेंड ही क्यों ना हो। डिविडेंड भी पे करोगे, कैश तो उसमें भी जाएगा ना, लेकिन डिविडेंड हर महीने आउटफ्लो नहीं बनता, वो जिस महीने बने उस महीने के आउटफ्लो में लिख देना। ठीक है बेटा, इसकी भी पिक्चर भेज देता हूँ।